एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जन्नत जुबैर और अशिफा खान के बारे में कि इन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। मैं आपको आगे वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था, क्या इनकी फ्रेंडशिप एंड हो गई है, क्या इनके बीच कुछ फाइट हुआ है। आपको पूरा रीज़न आपको विद प्रूफ बता दूंगा इस वीडियो पे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पे मेरे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे जन्नत जुबैर और उनके फॉलोइंग लिस्ट पे जाओगे और सर्च करोगे अशिफा खान 138, उनका जो अशिफा खान का प्रोफाइल है, तो आपको वहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। और अशिफा खान पे आप जाओगे, सर्च करोगे जन्नत जुबैर 29 लिखोगे, तो आपको कुछ शो नहीं होगा। जैसे कि आप अशिफा खान पे गए और वहाँ पे उनके फॉलोइंग लिस्ट पे गए और जन्नत जुबैर 29 जो जन्नत का प्रोफाइल है वो सर्च करोगे, तो आपको नहीं दिखेगा, जिससे प्रूफ होता है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो गाइस, आपने देखा है, मैंने लाइव प्रूफ करके आपको दिखाया कि उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। तो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है कि इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो गाइस, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आज से एक साल पहले जन्नत के घर अशिफा खान आई थी। जैसे कि आपको पता है, फ़ोटोज़ ये वीडियोज़ जिस दिन क्लिक किए, ये वीडियोज़ बनाए जो ब्लैक ड्रेस वाला दोनों पहने थे, उस दिन अप्रैल की बात है, 2019 अप्रैल की बात है, जब अशिफा खान जन्नत जुबैर के घर आई थी और अशिफा खान ने एक व्लॉग बनाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे गाइस आप सीन पे देख सकते हैं, डे आउट विद जन्नत ये व्लॉग था और ये अगस्त 2019 में अपलोड की थी अशिफा खान, लेकिन ये व्लॉग अप्रैल 2019 में बना था। और ये व्लॉग जिस दिन डाली अशिफा खान के जो चैनल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी वीडियोस पे आए। तो इस वीडियो पे जन्नत के कुछ ऐसे ऐसे क्लिप अपलोड हो गए जब ये व्लॉग अपलोड हुआ, तो वो जन्नत देखने के बाद वो व्लॉग पसंद नहीं की। वो सोची कि अशिफा खान वीडियो डालने से पहले वो एडिट कर देंगी, वो क्लिप हटा देंगी, बट अशिफा खान ने ऐसा नहीं किया और जन्नत ने ये वीडियो देख के वो पसंद नहीं आया। अब आप लोग बोलोगे इसकी, इससे क्या रीज़न, इससे क्या रिलेट होता है। गाइस, पूरा वीडियो देखना, पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा, जिससे आपको लास्ट में खुद आप बोलोगे कि हाँ, आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप गाइस, मैं बताता हूँ कि तब से एक साल पहले जब वो वीडियो डली, तब से लेके अशिफा खान के प्रोफाइल में जन्नत के साथ एक भी फोटो नहीं है, ना जन्नत के प्रोफाइल में इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक भी फोटो नहीं है अशिफा खान के साथ। उन्होंने एक दूसरे को टिकटॉक पे भी अनफॉलो कर दिया। जन्नत जुबैर की जब वो तेरे बिन कीवे की लॉन्च पार्टी थी एक साल पहले, जून की बात हो रहा हूँ, और व्लॉग अगस्त में अपलोड हुआ, तो जून में तेरे बिन कीवे की लॉन्च पार्टी पे अशिफा खान लकी डांसर दोनों आए थे, और लेकिन ये व्लॉग अगस्त में अपलोड हुआ। उसके बाद अशिफा खान एक भी पार्टी में नहीं आए जन्नत के, जन्नत का जो इश्क फर्जी लॉन्च पार्टी, जन्नत जुबैर के बर्थडे में, और जन्नत जुबैर के और भी जो सॉन्ग लॉन्च हुए उसमें अशिफा खान एक बार भी नहीं आई। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, सितंबर 2019 की बात है गाइस, नज़र न लग जाए सॉन्ग जो रामजी सर का था, टीम 07 का था, वो रिलीज़ हुआ था सितंबर 21 में, और तीन दिन बाद लॉन्च पार्टी थी 24 या 25 को। तो उस टाइम अशिफा खान, अवनीत कौर, जन्नत जुबैर सब आए थे, रामजी सर का बर्थडे था। जैसे कि आप देख सकते हो, उस पार्टी में जन्नत और अशनूर एक साइड थे और अवनीत और अशिफा खान एक साइड थे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नज़र न लग जाए, आप सर्च करना लॉन्च पार्टी यूट्यूब पे, आपको पूरी वीडियो आ जाएगी। आप पूरा लॉन्च पार्टी का क्लिप देख लेना, 20 मिनट का, 10 मिनट का, वहाँ पे आपको एक भी क्लिप में नहीं दिखेगा कि जन्नत और अशिफा खान एक साथ आए। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, अवनीत और अशिफा खान एक साइड है, आप देख सकते हो, और अशिफा खान इधर उधर देख रही है, जैसे आप देख रहे हो गाइस। तो तब से उन लोग का चल रहा है, तब से उन लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बट आज जब उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, तब तो इससे प्रूफ हो ही जा रहा है कि तब से उन लोग का चल रहा था, मतलब फाइट चल रहा था, बात नहीं कर रहे थे, फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई थी, आप बोल सकते हो इग्नोर कर रहे थे। बट अब जब उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया इंस्टाग्राम से, तो कंफर्म हो गया कि उनके बीच अब कुछ तो है जिससे उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो किया। आपको क्या लगता है, आप गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके बताना। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जन्नत की आईडी पे फोटोज़ देख लो, कहीं आपको अशिफा खान के साथ नहीं मिलेगा, वही है जो अभी आप वीडियो देख रहे हो, जब जन्नत के घर आई थी अशिफा खान तभी का आपको फोटो मिलेगा। और अशिफा खान के भी अकाउंट पे जाके देख लो, आपको वही फोटो मिलेगा, उसके बाद आपको कोई भी फोटो नहीं मिलेगी। और गाइस, वो जो व्लॉग है अशिफा खान का डे आउट विद जन्नत, उसमें कुछ ऐसे क्लिप थे, मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। आप वो व्लॉग देखो तो आपको लगेगा कि अशिफा खान को एक दो क्लिप एडिट कर देना था, बट उन्होंने नहीं किया, अब जानबूझ के नहीं किया कि वो गलती से वो नहीं कर पाई, अब वो उन पे डिपेंड करता है। और गाइस, मैं आपको लिंक दूंगा, आप जाके देख लेना। और गाइस, जन्नत जुबैर का बर्थडे हो या कोई उनकी
सॉन्ग का लॉन्च पार्टी है, अर्शिफा खान कभी नहीं आती, और अर्शिफा खान का जो डायमंड रिंग का लॉन्च पार्टी था वहाँ पे भी जन्नत नहीं आई थी, जन्नत के बर्थडे पे भी नहीं आई थी। बहुत सारे ऐसे हैं जिससे प्रूफ होता है कि इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप एंड हो गई है। यही जो वीडियो आप देख रहे हो तभी के टाइम पर इन लोग एक साथ मिले, उसके बाद आपको एक साथ कभी मिले नहीं होंगे। आप मेरे को इसके बाद कोई फ़ोटो दिखा दो जिसमें उन लोग साथ में, या कोई वीडियो दिखा लो, तब मैं खुद ये वीडियो डिलीट कर दूँ। तो बस गाइस, आपको ये रीज़न बताना था कि अर्शिफा खान और जन्नत जुबैर के बीच में बात बंद हो गई है, फाइट बोल सकते हो, बहस बोल सकते हो, जिसके कारण उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो बस गाइस, आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले जन्नत के फैंस, अर्शिफा खान के फैंस को। और कमेंट ज़रूर करना गाइस, मैं सही बोला कि गलत, आपको क्या लगता है। आप अपने व्यूज़ मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, जिससे मेरे को पता चलेगा। और गाइस, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो कर लो, यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाके फॉलो कर दे। चले गाइस, आज के इस वीडियो बस इतना ही।